और भाई लोग क्या हालचाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसएलपी। काफी दिन बाद वीडियो आ रहा है। हम लोग थोड़ा टूर दी फ्रांस पे गए थे, अचिन भाई की शादी थी जयपुर में, खुद की शादी नहीं थी, भाई की शादी थी, और मैं थोड़ा पूजा पाठ कराने, थोड़ा धार्मिक चीजों के लिए मैं नासिक गया हुआ था, फिर भाई वहां से बॉम्बे गया, फिर वहां से जबलपुर गया, फिर वहां से वापस लखनऊ आया। तो आप सब एक हफ्ते का ब्रेक आप समझ सकते हैं भाई क्यों लगा हमें। जैसे अभी जो काफी पुख्ता न्यूज चल रही है मार्केट में कि पोर्टुगल हैव नॉट क्वालिफाइड, इटली हैव नॉट क्वालिफाइड, एंड कैसे प्ले ऑफ काम करता है, बेसिकली आज वीडियो इस वीडियो में ये समझाएंगे आपको। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है आप लोगों से। वैसे तो काफी लोग ये क्या मतलब, क्या भैया साबुन बेचने आए हो क्या, इतना एकदम मर मर के बोल रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम वी आर एट 3920 सब्सक्राइबर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 सब्सक्राइबर्स हमारे शायद बचे हैं टिल वी रीच 4K, एंड 4K माइलस्टोन से हम काफी देर से अटके हुए हैं। वी प्लान्ड ऑन रीचिंग द माइलस्टोन एट ओवर द फेस्टिव पीरियड, थोड़ा सा डिले हो गया, कोई बात नहीं, आप लोगों की हमारी कमी थी, आप लोगों की क्या थी, हम भी चले गए थे एक हफ्ते के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। होपफुली बाय द टाइम वी रिलीज आर नेक्स्ट वीडियो वी हैव 4000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ गाइज डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो से, एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग कि भाई पोर्टुगल का क्या क्वालिफिकेशन का सीन है, इटली का क्या क्वालिफिकेशन का सीन है, स्पेसिफिकली इटली, क्योंकि इटली 3 महीने पहले जीती थी यूरोस, और अब नाउ दे आर फाइंडिंग इट हार्ड टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। रॉबर्टो मैंसिनी अभी भी काफी कॉन्फिडेंट है, कहा था कि वी माइट इवन विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, क्वालिफिकेशन तो क्या ही चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बस परफॉर्मेंस की कमी है। सो विल स्टार्ट विद द फॉर्मेट। पिछली बार के फॉर्मेट से इस बार के फॉर्मेट में ये फर्क है कि जो इस बार प्लेऑफ्स होंगे फॉर द वर्ल्ड कप फ्रॉम यूरोप, एटलीस्ट पिछली बार 8 टीम्स थी, इस बार 12 टीम्स है। और डिफरेंस इस बार ये है कि पिछली वाले वर्ल्ड कप में नेशंस लीग जैसी कोई चीज़ थी नहीं, ना उसका कुछ बीच में इंटरफेरेंस था, इस बार नेशंस लीग है, तो नेशंस लीग अपना टूर्नामेंट तो है अलग से, बट इट हैज़ अ बेयरिंग ऑन द वर्ल्ड कप एज वेल। तो डिफरेंस ये है कि पिछली बार 8 टीम्स थी जो प्लेऑफ्स में गई थी, पिछली बार 9 ग्रुप थे 2018 के वर्ल्ड कप में, तो 9 ग्रुप के जो 9 विनर्स थे वो तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गए थे। एक एक्स्ट्रा टीम थी पिछली बार बिकॉज रशिया वॉज द होस्ट ऑफ द 2018 वर्ल्ड कप, तो 10 टीम थी जो ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड थी। बची 8 टीम्स जो आपके 9 ग्रुप में से जो 8 बेस्ट रनर्स अप थे वो उन्होंने क्वालिफाई किया था फॉर द प्लेऑफ्स, एंड उन प्लेऑफ्स में से सिंगल लेगेड प्लेऑफ से जो प्लेऑफ जीता 8 में से 4 टीम आगे बढ़ के गई, एंड 14 टीम थी यूरोप से। इस बार अलग है क्योंकि इस बार एशिया से होस्ट है हमारा, तो एक स्पॉट कम हो गया ऑटोमेटिकली, कतार को ऑटोमेटिक स्पॉट मिल गया एज अ होस्ट। और जो बाकी के ग्रुप्स की बात करो तो एक ग्रुप बढ़ गया इस बार, तो इस बार 10 ग्रुप्स हैं, तो विनर्स जो हमारे हो गए ऑटोमेटिक क्वालिफायर्स, दिस टाइम देर आर 10 ऑटोमेटिक क्वालिफायर्स हैं, और जो हमारे प्लेऑफ्स में टीम्स हैं वो 8 से सीधे 12 पे बढ़ गई है। ये तो काफी पुख्ता सवाल है कि भाई 12 टीम कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो तो 13 टीम करती है क्वालिफाई, 10 तो भर गए डायरेक्टली, बचते हैं 3। देखो 12 टीम भाई 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मैं आपको शुरुआत से सिंपल समझाऊंगा, आसानी समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना भाई, और अगर समझ में आ गया और यहाँ पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूँ, वेरी क्लोज टू 4K। तो 12 टीम्स है, 6-6 के ग्रुप में है, 6 टीम सीडेड है, 6 टीम्स आर नॉट सीडेड, अनसीडेड कह सकते हो उनको आप। तो ये 12 टीम्स आई कहाँ से, पहले तो ये बता देता हूँ आपको, 10 ग्रुप थे फर्स्ट आई वो क्वालिफाई कर गए, और फिर 10 उन 10 ग्रुप में जो टीम सेकंड आई है वो यहाँ पे हो गई, तो 12 में से 10 स्पॉट तो भर गए। तो अब भाई पूछ तो बाकी बचे हुए 2 स्पॉट कहाँ से आते हैं, जैसे अचिन ने बताया नेशंस लीग चालू किया तो ये फन है, बहुत लोग को अभी तक समझ में नहीं आई, प्लेयर्स को समझ में नहीं आई, लेकिन एक पॉजिटिव आउटपुट निकल के आया है यहाँ पे भाई कि नेशंस लीग में जो अपने ग्रुप विनर्स थे वो 2 ग्रुप विनर्स यहाँ पे आके क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। तो जैसे आपको पता है 4 उसमें डिवाइडेड रहता है नेशंस लीग बेस्ड ऑन द रैंकिंग ABCD, तो ए की जितनी टीम फर्स्ट आई थी भाई उसमें बड़ी बड़ी टीमें थी वो तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई, तो उनका कोई सीन नहीं है। उसके बाद अगर ग्रुप बी पे आओ तो ग्रुप बी में जो पहला सब ग्रुप था जिसमें ऑस्ट्रिया थी, उन्होंने अपना ग्रुप जीता था भाई, एंड दे फिनिश 4th, तो ना उन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया ना उन्होंने सेकंड प्लेस को क्वालिफाई किया, तो वो एक टीम बन के आ गई जो यहाँ पे प्लेऑफ खेलेगी। उसके बाद अगर आप वही उसका अगला ग्रुप देखो, सेकंड सब ग्रुप देखो बी ग्रुप में, तो वहाँ पे चेक रिपब्लिक थी भाई, वो भी 3rd फिनिश की बिहाइंड वेल्स एंड बेल्जियम, डिड नॉट गेट अ डायरेक्ट स्पॉट, डिड नॉट गेट अ स्पॉट फॉर द प्लेऑफ्स, तो सेकंड टीम आपकी वहाँ से आ गई फॉर द प्लेऑफ्स। अब ये बन गई 12 टीम भाई। तो अब इसमें सीडेड वाली बता देता हूँ कौन सी 6 टीम है, इटली है आपकी, पोर्टुगल है, रशिया है, स्कॉटलैंड है, स्वीडन है और वेल्स है। तो इनको डिसाइड कैसे किया गया और सीडेड टीम्स का क्या एडवांटेज है, तो भाई एडवांटेज ये है कि ये सारी टीम्स जो 1 लेग मैच होगा इन सबके बीच में, ये जो सीडेड टीम्स है वो अपने होम एडवांटेज पे खेलेंगे, मतलब उनके होम पे मैच होगा। और ये सीडेड टीम बनी कैसे, अगर आप ग्रुप देखोगे तो 10 टीमें थी जो सेकंड आई थी, उसमें से जो टॉप 6 थी जिनके पॉइंट सबसे ज्यादा थे वो सीडेड टीम्स हो गए। अगर पॉइंट बराबर थे तो गोल डिफरेंस पे आ जाता है, अगर गोल डिफरेंस भी बराबर है तो गोल स्कोर पे आ जाता है भाई।
अगर उसके बाद बराबर तो उसके बाद अभी कुछ दिया नहीं है, मे बी 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरह चौके छक्के पे मैच जिता दें अगर फुटबॉल में ऐसा कुछ होगा भाई। तो समझा देता हूँ आपको, 12 टीम समझ में आ गई कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं। अब 12 टीम के बीच में होगा क्या, अब 26 नवंबर को ज्यूरिच में ड्रॉ है भाई, वहाँ पे पॉट वन है सीडेड टीम्स, पॉट टू है अनसीडेड टीम्स, इनके बीच में ड्रॉ होगा, फिर इनके बीच में एक वन लेग मैच होगा विच इज ऑन 24th March। तो अभी लंबा चौड़ा इंटरनेशनल ब्रेक नहीं, खुशी का माहौल है फुटबॉल फैंस के लिए। तो 24 मार्च को इनके बीच में मैच होगा विच इज द सेमीफाइनल, और वहां से जो टीम जीतेंगी, तो 12 टीम थी, 6 मैचेस होंगे, 6 टीम बाहर हो जाएंगी जो हारेंगी। तो इन 6 टीम्स में फिर एक और मैच होगा बिटवीन, मतलब भाई 3 मैचेस और होंगे, इसके लिए एक ड्रॉ और होगा, या फिर इस वाले में भी हो सकता है, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो इन 6 टीम्स के बीच में भाई फिर से मैच होगा, एंड ऑब्वियसली 3 जो विनर्स होंगे इसमें से वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हैं। अब ये बात निकल के आती है कि पोर्टुगल इटली के पास अच्छा चांस है क्वालिफाई करने का, क्योंकि दोनों सीडेड टीम्स हैं। लेकिन अचिंत ये भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फाइनल्स में इफ देर इज अगेन अ मिनी ड्रॉ सॉर्ट ऑफ, वहां पे पोर्टुगल इटली एक दूसरे को फेस कर सकती है। हमने बहुत बार पहले ऐसे देखा है, 2014 का वर्ल्ड कप देख लो व्हेन पोर्टुगल फेस स्वीडन, या लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप देख लो जो इटली वर्सेस स्वीडन हुआ था, तो स्वीडन बाउंस बैक, पहले प्ले ऑफ में हार गई थी 2014 वाले, इस वाले में जीत गई थी। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई इटली वर्सेस पोर्टुगल कुड बी अ फाइनल, और एक मतलब द लास्ट टू यूरोपियन चैंपियंस से कोई एक बाहर हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए। हाँ ये डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि इनिशियल जो सेमीफाइनल्स होंगे उसमें तो सीडेड टीम्स विल अवॉइड ईच अदर, दे विल बी फेसिंग द अनसीडेड टीम्स, तो उसमें ऑब्वियसली इटली और पोर्टुगल के फेस करने का कोई चांस नहीं है। बट अगर ड्रॉ प्लेज आउट इन द वे एज उत्कर्ष ने भी कहा, तो हो सकता है कि इटली और पोर्टुगल एक दूसरे को प्ले ऑफ करे, एंड इन दैट प्ले ऑफ हुएवर लूजेस कुड पोटेंशियली मिस आउट। तो दोनों ही बहुत बड़े आप कह सकते हो लॉसेस होंगे एज फ्रॉम अ वर्ल्ड कप, इट कुड बी अ रोनाल्डो लेस वर्ल्ड कप, जो अभी तक हमने नहीं देखा है, एवर सिंस रोनाल्डो हैज बीन प्लेइंग आई डोंट थिंक ही हैज मिस्ड अ वर्ल्ड कप फॉर हिज प्रोफेशनल करियर एटलीस्ट। एंड इटली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यार उनका तो और भी एम्बैरेसिंग हो जाएगा कंसिडरिंग दे आर द यूरो चैंपियंस। दोनों टीम्स पोटेंशियली कुड मिस आउट फ्रॉम द वर्ल्ड कप। ये भी हो सकता है कि स्वीडन मिस आउट कर दे, एंड स्वीडन आफ्टर अ गुड यूरोस नॉकआउट स्टेजेस में पहुंच के फोर्सबर्ग आप कह सकते हो वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द टूर्नामेंट, 4 गोल मारे थे उसने, वो भी मिस कर सकता है वर्ल्ड कप को। सो वी कुड सी अ लॉट ऑफ मेजर मिस आउट्स। मे बी ज़लाटन कुड बी कह सकते हो द फाइनल डांस फॉर हिम, अगर फिट रहा तो बंदा मैं पक्का बता रहा हूँ खेल सकता है वो। वैसे जैसे हमने सीडेड टीम्स की तो काफी बात कर ली, लेकिन अनसीडेड टीम्स पे एक हल्का सा फोकस करें तो हल्के में नहीं दे सकते। ऑस्ट्रिया इज अगेन अ गुड टीम, आपने देखा था इटली को भाई कितनी आखिरी में देवर अनलकी टू लूज आउट। चेक रिपब्लिक है भाई अगेन अ सॉलिड टीम, नॉर्थ मैसेडोनिया यस मे बी एन इजी टाई जो टीम देखना चाहेंगे, पोलैंड भाई ऑब्वियसली नॉट एन अगेन एन इजी टीम, टर्की है, टर्की की फॉर्म हमने यूरोज में देखी थी, मतलब बहुत ही हल्का खेले थे लेकिन उसके पहले अच्छी फॉर्म थी और अभी भी लेटली ठीक फॉर्म है, दे हैव टर्न द टाइड्स। एंड ऑब्वियसली लास्ट में यूक्रेन है भाई, जो मतलब उनके जो प्लेयर हैं क्लब लेवल पे यार मतलब इनको वगैरह इतने नहीं चलते हैं, लेकिन ऑन द नेशनल टीम दे टर्न ऑन, एंड भाई यूरोस में उन्होंने भी जबरदस्त खेला था। तो 26 नवंबर को ड्रॉ है, 24 मार्च को सेमीफाइनल है, 29 मार्च को फाइनल है भाई, तब आपको पता चल जाएगा कि कौन सी 3 टीम्स यूरोस से जा रही है वर्ल्ड कप के लिए। तो रहा यूईएफए का पूरा सिस्टम कैसे वर्क करेगा इन यूरोप, बट बाकी कन्फेडरेशन हमने एड्रेस नहीं किए, वो हम एक अलग वीडियो में करेंगे, जो आपके सारे कॉनमेबॉल कॉनकैकैफ कैफ एएफसी एंड ओएफसी सबको हम एक अलग वीडियो में समझाएंगे, जिसमें कैसे वर्क करता है, व्हाट आर द इंटर कन्फेडरेशन प्लेऑफ्स। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं, हमें भी वीक मांगना अच्छा नहीं लगता। तो होपफुली बाय नाउ यू गाइस हैव सब्सक्राइब्ड एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।